हुक निरंजन। ये तांत्रिक तो बहुत ही पहुंचा हुआ लग रहा है। गौरा, कैसे करके भी हमें इस तांत्रिक से रक्षा कर। हुक निरंजन। तेज। मालकिन के कमरे में कौन है? कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छड़ी लेके चल रहा हो। हमें भी अभी बात समझ आ गई है कि दो नाव में सवार होके हम जिंदगी नहीं काट सकते। तो फिर आप गौरा से बात क्यों नहीं करते? की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हमरे और रुके विचार मेल ही नहीं खाते। हम चाहते हैं कि हमरा और रुका रिश्ता ठीक हो जाए, पर दिन ब दिन वो बद से बदतर होता जा रहा है। ओम जी। कहा हुआ, अचानक चौक खाए गई हमारा चेहरा देखकर। खेत की बात करते हैं या खेत में जाके प्यार करते हैं उससे? दूर रहते हैं तो ये लिपस्टिक के निशान क्या फ्लाइंग किससे मिले? आप बात कर रही है कौन से निशान? ये निशान जो आपकी और गौरा की रोमांस की कहानी बता रहा है। कंगे, हम तुम रे तेवू। अरे प्रिया, मरते वक्त हम तुमसे कहे थे ना कि रेखा बहू के रूप में तुमको एक बहू और बेटी दोनों मिली है। रेखा बहू ने हमरे जीते जी हमारी बहुत सेवा की थी, लेकिन हम परलोक से देखे तुमने रेखा बहू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चंगे, आज तुमको स्वीकार करना होगा, रेखा ने सोम के लिए जो लड़की पसंद की थी उसका ही थी। वैसे गौरा भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ रेखा की पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी है। काश ससुर जी जिंदा होती और सासुवा निकल ली होती तो आज तो कहानी कुछ और ही होती। चंगे, इतना कहाँ सोच रही हो, अपनी गलती मान लो और स्वीकार कर लो कि रेखा एक अच्छी बहू थी, लेकिन शायद तुम उसके लिए कभी एक अच्छी सास नहीं बन पाई। मेरी सास भूत है, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।